हाय एवरीवन, वेलकम टू इंडियन कॉइन टेल्स। एक रुपए का ये नोट जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये 1951 में रिलीज किया गया एक रुपए का नोट है। नोट का कलर है ग्रे ग्रीन और नोट पर आपको सिग्नेचर देखने को मिलते हैं केजी अंबेगांवकर के। अगर बात करें इस तरह के एक नोट की कीमत की तो वो है 500 रुपए से लेकर 1200 रुपए तक। और अगर आपके पास इस तरह के नोट का पूरा बंडल है तो उसकी कीमत होगी 1 लाख रुपए के आसपास। लेकिन ये कीमत इस बात पर निर्भर करती है कि इस नोट की कंडीशन कैसी है। अगला नोट दिखाने से पहले मैं चाहता हूं कि आप इस नोट का प्रीफिक्स और सीरियल नंबर ध्यान से देख लें। याद करने की जरूरत नहीं है, बस इसे एक बार देख लीजिए। और अब आपकी स्क्रीन पर ये रहा दूसरा नोट। इस नोट का कलर भी ग्रे ग्रीन ही है। इस नोट पर भी आपको 1951 लिखा दिखाई देगा। इस नोट पर भी सिग्नेचर देखने को मिलेंगे केजी अंबेगांवकर के। लेकिन अगर आप इस नोट का प्रीफिक्स या सीरियल नंबर देखेंगे तो आपको दिखाई देगा 000000। वो इसलिए क्योंकि ये एक स्पेसिमेन नोट है और इस तरह के हर नोट पर आपको स्पेसिमेन लिखा दिखाई देगा। स्पेसिमेन यानी कि ये नोट असली नोट का सिर्फ एक नमूना है, एक रेप्लिका है, एक सैंपल नोट है। इस पर ना आपको कोई सीरियल नंबर दिखाई देगा और ना ही इसे किसी भी तरह के लेन देन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। इसका मतलब हुआ कि इस नोट की ट्रांजेक्शन वैल्यू जीरो थी। लेकिन बावजूद इसके इस नोट की कलेक्शन वैल्यू बहुत ज्यादा है। कलेक्शन वैल्यू से मेरा मतलब है कॉइन और नोट्स कलेक्ट करने वाले लोगों के बीच ये नोट बहुत बड़ी कीमत रखता है। तो क्या आप अब इस 1 रुपए के नोट की कीमत का अंदाजा लगा सकते हैं? चलिए असली कीमत बताने से पहले एक हिंट दे देता हूँ। वो ये कि 1 रुपए के इस एक नोट की कीमत हजारों में नहीं बल्कि लाखों में है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पेसिमेन नोट्स के बारे में। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, स्पेसिमेन नोट का मतलब होता है नमूना नोट या सैंपल नोट। एक ऐसा नोट जिसे RBI ने सिर्फ सैंपल के रूप में बनाया है। लेकिन क्यों बनाए जाते हैं ये सैंपल नोट? देखिए, भारत सरकार जब भी कोई नया नोट रिलीज करती है तो पब्लिक में रिलीज करने से पहले उसे मुख्य रूप से बैंक्स में भेजा जाता है, ताकि बैंक्स उस नोट के डिजाइन, साइज और सिक्योरिटी फीचर्स को आसानी से समझ सके, ताकि बैंक्स उस नोट के लॉन्च होने से पहले अपनी तैयारी कर सके। जैसे ATM की कैश होल्डिंग यूनिट को नए नोट्स के साइज के हिसाब से तैयार करना और ऐसे ही बहुत सारे काम। बैंक्स के अलावा ये स्पेसिमेन नोट्स कई गवर्नमेंट बॉडीज, मिनिस्टर्स और सीनियर मैनेजमेंट तक भी पहुंचाए जाते हैं। इसलिए ये नोट बहुत कम संख्या में छापे जाते हैं। बहुत कम संख्या में छापे जाने की वजह से ये नोट पहले से ही रेयर होते हैं और न्यूमिस्मेटिक कलेक्टर्स के बीच इनकी बढ़ती डिमांड इन नोट्स को और भी ज़्यादा रेयर बना देती है। इसलिए 2020 में जब इस 1 रुपए के स्पेसिमेन नोट का ऑक्शन किया गया तो ये 1 रुपए का नोट बिका 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा की कीमत पर। जिसे हम 3 लाख रुपए भी मान लें तो ये कहना गलत नहीं होगा। लेकिन क्या सिर्फ 1 रुपए के नोट में स्पेसिमेन नोट देखने को मिलते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। RBI द्वारा रिलीज किए गए हर नोट में स्पेसिमेन नोट्स देखे जा सकते हैं। फिर चाहे वो डीमोनेटाइज हो चुके 500 या 1000 रुपए के नोट हों, या फिर हाल ही में रिलीज किए गए नोट की नई सीरीज जिसमें 10 रुपए के नए नोट से लेकर 200 रुपए और 2000 रुपए के नोट भी देखने को मिलते हैं। इन सभी नोट के स्पेसिमेन नोट आप RBI की वेबसाइट पर भी आसानी से देख सकते हैं। इन्हीं में से एक नोट है 10 रुपए का ये नोट। देखिए, सारे स्पेसिमेन नोट रेयर और कीमती नोट होते हैं क्योंकि वो बहुत कम क्वांटिटी में छापे जाते हैं। लेकिन इनमें से भी सबसे ज्यादा रेयर और कीमती वो नोट होते हैं जो बहुत पुराने नोट होते हैं और जिन्हें आम चलन से बाहर हुए कई साल या कई दशक हो चुके हों। इसी तरह ये 10 रुपए का नोट भी एक स्पेसिमेन नोट है। इसका प्रीफिक्स और सीरियल नंबर भी 0 है,
और इस पर साफ साफ लिखा दिखाई दे रहा है स्पेसिमेन। अगर बात की जाए इस नोट के प्राइस की, तो इस तरह के एक नोट की न्यूमिस्मेटिक वैल्यू या स्टार्टिंग प्राइस होगा 50,000 रुपए से। और जैसे जैसे ये नोट पुराना होता जाएगा, वैसे वैसे इसकी मार्केट वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। इस तरह के नोट आम चलन में मिल जाए इस बात की कोई संभावना नहीं है, इसलिए किसी से भी इस तरह के नोट की डील करते वक्त जल्दबाजी न करें। अगर आप इस तरह के नोट को अपने कलेक्शन में शामिल करना चाहते हैं, तो सिर्फ ग्रेडेड नोट्स पर ही इन्वेस्ट कीजिए। कोशिश कीजिए कि आप उसे किसी रिप्यूटेड ऑक्शन हाउस से ही परचेस करें, वरना आप किसी धोखे का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि इस तरह के नकली नोट्स भी मार्केट में बेचे और खरीदे जा रहे हैं। इन नोट्स की तरह दूसरे स्पेसिमेन नोट्स की वैल्यू भी आपको जल्द ही बताऊंगा, तो इंडियन कॉइन टेल से जुड़े रहिए। कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन और बेल आइकन प्रेस करते जाइए, दबाते जाइए। जल्द ही मिलता हूँ आपसे एक और अमेजिंग वीडियो के साथ, सिर्फ इंडियन कॉइन टेल्स पर।